एक महिला जो मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए एक दुकानदार के पास पहुंचती है और वह दुकानदार कहता है कि पिछले दरवाजे से तुम अंदर चले आओ। वो महिला पिछले दरवाजे से अंदर चली जाती है। वह दुकानदार शटर को बंद करता है और वह भी उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। एक घटना जो है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। बिहार का रहने वाला एक जो कि परिवार वहां पर कमाने के लिए भट्टे पर गया हुआ था। उस परिवार में पुष्मा जो की उम्र 30 साल थी, उसकी शादी जो कि गुड्डू नाम के लड़के से होती है जिसकी उम्र 38 साल थी। दोनों बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते हैं। वह बिहार को छोड़कर वह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक भट्टे पर काम के लिए जाते हैं। काम जो था वह गुड्डू जो था वह काम पर बहुत ही ज्यादा मन लगाकर काम किया करता था। कुछ दिन तक तो जो थी वह पुष्पा भी उस भट्टे पर काम करने जाया करती थी, लेकिन धीरे 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 भट्टे पर जाना बंद कर देती है। और वह जो गुड्डू था वह भी कहता है, मैं जितने पैसे कमाता हूँ उतने पैसे में हमारा परिवार अच्छे से चल जाएगा, तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। पुष्पा काफी ज्यादा खुश होती है। वह दोनों खुशी हाली से वहां पर रह रहे होते हैं। दिन महीने बीतते जा रहे थे। उसी बीच में जो कि पुष्पा का जो कि मोबाइल था वह उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। रिचार्ज खत्म हो जाने पर वह जब जो गुड्डू था वह काम पर भट्टे पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो पुष्पा कहती है कि मेरा मोबाइल जो है जो रिचार्ज खत्म हो चुका है, मैं घर पर बोर हो जाऊंगी तो मेरा रिचार्ज करवा दो। गुड्डू कहता है ठीक है, हफ्ते लग जाने के बाद जब मैं मालिक से पैसे लेकर आऊंगा तब तुम्हारा मैं रिचार्ज करवा दूंगा। इतना कहकर जो गुड्डू था वह वहां से चला जाता है। पुष्पा जो कि घर में अकेली थी उसे कुछ मन नहीं लग रहा होता है। वह इधर उधर जो कि बार बार कई पड़ोसियों के पास जाती है, लेकिन कोई भी महिला उसे बात करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह बहुत ही छोटे घराने की महिला थी। इस कारण से उसे कोई बातें करना नहीं चाह रहा होता है। इस कारण से वह तुरंत अपने घर चली आती है। वह घर में अपने मोबाइल को जो कि रिचार्ज नहीं होने पर वह काफ़ी ज़्यादा पछता रही होती है। वह महिला बाहर जाती है और एक महिला से मदद मांगती है कि कुछ मुझे कुछ पैसे दे दो, जो हफ्ते मेरे पति का जब लग जाएगा तो मैं जो कि तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। वह महिला उससे पैसे देती है और वह पुष्पा वह पैसे को लेकर वह चौराहे पर चली जाती है। चौराहे पर जाने के बाद वह एक मोबाइल के दुकान में पहुंचती है और वहां पर अपना नंबर को देकर वह रिचार्ज करवा लेती है। रिचार्ज हो जाने के बाद वह महिला घर आती है। घर आने पर जब रात के करीब 8 बज रहे होते हैं तो अचानक से उसका मोबाइल जो था वह बजना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि उसके परिवार वाले कोई कॉल कर रहे होंगे क्योंकि वह कुछ पढ़ी लिखी जो थी वह बहुत ही कम थी। वह कॉल को उठा लेती है और जैसे ही वह हेलो कौन कहती है उधर से एक आवाज़ आता है कि मैं मोबाइल दुकान वाला बोल रहा हूँ, जहाँ से तुम रिचार्ज करवाई हो मैं ब्रजेश हूँ। इतना कहते ही वह महिला जो थी वह गुस्सा होने लगती है कि तुम मेरे मोबाइल पर क्यों कॉल किए हो। इतना कहते ही ब्रजेश जो था वह कहता है कि मैं इस नंबर चेक कर रहा था कि सही में आप तुम्हारा रिचार्ज हुआ है या फिर किसी और का रिचार्ज हो गया। मैं चेक कर रहा था, इसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, कॉल को रख देता हूँ। वो महिला कहती है कोई बात नहीं, जो मैं वो बोर हो रही थी तो इसे सोच ही रही थी कि मैं किसके पास कॉल लगाऊं, जो तुमको कॉल कर दिए हो तो कोई बात नहीं, अगली बार से नहीं होना चाहिए। पुष्पा कहती है ठीक है अब फोन को रख दो। इतना कहते ही ब्रजेश जो था वह फोन को रख देता है और जब भी उसका मोबाइल रिचार्ज कराना होता वह ब्रजेश के पास कॉल कर दिया करती। ब्रजेश जो था वह हर महीने रिचार्ज करता हुआ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो था वह दोनों के बीच जो बातें चीतें जो थी वह बढ़ती हुई जा रही थी। दोनों एक दूसरे से घंटों बात करने लगे थे। जो उसका पति जो गुड्डू था उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वह काम पर जाता और काम पे से थका हारा था। वह अपनी पत्नी को बिना प्यार किए हुए जाकर सो जाया करता। पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा इससे अपसेट हो रही थी। वह बार बार अपने पति के पास जाती, उसे प्यार मांगती कि तू उसे प्यार करे, लेकिन उसका पति बार बार कहता कि वह थका हुआ है, वह प्यार नहीं कर सकता। इतना सुनते ही पुष्पा ब्रजेश के पास कॉल लगाती है और उसे बात करना शुरू कर देती है। ब्रजेश कहता है हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं, तुम्हें देखे बिना मैं रहा नहीं जाता, तुम कभी मिलने हमारे दुकान पर आया करो। पुष्पा कहती है ठीक है, मैं कल सुबह ही अगर मेरा पति ड्यूटी पर चला जाएगा, जब काम पर चला जाएगा भट्टे पर, तब मैं तुम्हारे पास चली आऊँगी। ब्रजेश कहता है कि सुबह में मत आना, जो दोपहर में आना कोई भी कस्टमर उस वक्त नहीं होता है। अगले दिन जब होता है दोपहर के 12 बजे पुष्पा उस दुकान के पास पहुंचती है, जिस वक्त दुकान के पास कोई भी कस्टमर नहीं होता है। वह दुकान के बाहर के पास पहुंचकर वह कहती है ब्रजेश मैं आ चुकी हूं, तुम्हें बोलना है जो आज हम लोग आराम से बैठकर बातें करना चाहते हैं।
ब्रिजेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बातें ही करना है तो तुम पिछले दरवाजे से अंदर चली आओ। वह महिला जो थी वह पुष्पा, वह तो पिछले दरवाजे से अंदर चली जाती है। वहां पर एक चौकी जो था वह लगा हुआ था, वहां पर वह बैठकर इंतजार करने लगती है। ब्रिजेश जो था अपने शटर को, दुकान को बंद करता है, गिराता है और वहां से सीधे वह पिछले दरवाजे से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पुष्पा जो थी वह भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, जो मुझे तुमसे प्यार करना है। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी हुई बातें करते रहते हैं। करीब आधे घंटे बीत जाने पर वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। पुष्पा की नजर दीवार में लगी घड़ी पर पड़ती है तो वह टाइम देखकर तुरंत वहां से उठकर खड़ी हो जाती है। ब्रिजेश कहता है कि क्या हुआ, तो वह तुरंत कहती है कि मेरा पति का आने का जो समय हो रहा है, शाम के 5 बजने वाले हैं, जो मेरा पति कभी भी आ सकता है, जो मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही वह रूम से बाहर होने लगती है। तभी उसकी जो पुष्पा थी वह कहती है कि जब भी मेरा मन होगा तो क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तो ब्रिजेश कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम दिन के दोपहर में जब भी मौका मिले तुम आ सकती हो, मैं तैयार रहूंगा। ये जो सिलसिला था इस दिन के बाद हर दिन होने लगा था। ऐसे ही महीने दिन गुजरने लगे थे। पुष्पा का जो मोबाइल रिचार्ज था वह हर दिन फ्री में होने लगा था। जो उसका पति था वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जो पुष्पा का मोबाइल है वह बिना रिचार्ज कराए हुए वह इसका जो रिचार्ज है वह चलता कैसे जा रहा है। पुष्पा के पति गुड्डू को रहा नहीं जाता है। वह पुष्पा से पूछ बैठता है कि तुम्हारा मोबाइल तो मैं कई महीनों से रिचार्ज नहीं कराया हूँ, तो फिर ये तुम्हारा मोबाइल जो है कैसे चल रहा है। पुष्पा कहती है कि हर महीने तुम मुझे कुछ सामान लाने के लिए पैसे देते हो, उसी में से कुछ पैसे बचा कर मैं हर महीने मोबाइल रिचार्ज करा लेती हूँ। इतना कहते ही गुड्डू भी जो था वो अपनी पत्नी पर भरोसा करता है, वह इस बात को भूल जाता है। दिन जो था वैसे ही बीतने लगता है। एक समय जब गुड्डू अपना मोबाइल रिचार्ज कराने उस चौराहे पर पहुंचता है तो वहां पर कई सारे लोग जो थे वह गुड्डू को जानते थे कि वह उस भट्टे पर काम किया करता है। कुछ लोग आते हैं उसके पास और उसे कुछ बातें कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी है जो कि हर दिन इस मोबाइल के दुकानदार के पास आती है और करीब 1-2 घंटे रहती है और वह वापस चली जाती है। गुड्डू जो था वह इस बातों को सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान होता है। वह तुरंत मोबाइल को रिचार्ज अपना कराता है और वापस अपने घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर तुम हर दिन उस मोबाइल दुकान के पास क्यों, क्या करने जाती हो। उसकी पत्नी जो थी वह कुछ कोई बहाना मार कर वह अपने पति से बचना चाह रही थी, लेकिन उसका पति जो कि समझ जाता है कि जरूर उस दुकानदार से इसका जो कि कुछ चल रहा है मेरे पीठ पीछे। गुड्डू जो था कहता है ठीक है, ऐसा बात है तो मैं इस पर नजर रखना आज से शुरू कर देता हूँ। गुड्डू हर दिन अब जो कि था वह काम पर तो जाता था लेकिन अपनी पत्नी पर नजर रखा करता था। वह घर से अपनी पत्नी को बताकर जाता कि वह भट्टे पर जा रहा है, लेकिन वह भट्टे पर न जाकर वह बीच रास्ते से ही लौट आता और अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता। करीब 2-3 दिन तक तो पुष्पा जो थी वह उस दुकानदार के पास नहीं जा रही होती है। जब 4th दिन होता है जो गुड्डू था वह नजर रखे हुए था, काफी दूर खड़ा होकर वह अपने घर के दरवाजे की ओर देख रहा होता है कि उसकी पत्नी पुष्पा कब निकलती है, कब कहाँ जाती है। पुष्पा जो थी वह 4th दिन अपने घर से निकलती है और धीरे धीरे वह एक ऑटो पर बैठती है और चौराहे पर पहुंच जाती है। चौराहे पर पहुंचने पर जो गुड्डू था वह भी पीछा करते हुए आ रहा होता है। वह वहां पर पहुंचकर उस ऑटो से वह उतरती है, पुष्पा और ब्रिजेश के पास चली जाती है। ब्रिजेश जो शटर को जो कि लगाता है और कहता है कि ठीक है तुम पिछले दरवाजे से चले आओ। वो जो पुष्पा थी वह पिछले दरवाजे से वह अंदर चली जाती है और वह शटर को लगाकर वह भी साथ में अंदर चला जाता है। ये चीज को देखकर जो गुड्डू था वह समझ जाता है, वह तुरंत उस दरवाजे से वह भी अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो गुड्डू और वह जो उसकी पुष्पा थी वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। जो गुड्डू था वह दोनों के ऊपर झपटने लगता है और दोनों के बीच काफी ज्यादा जो कि लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इस आवाज को सुनकर जो कि अगल बगल के जो दुकानदार थे वह भी उस शटर के पास पहुंचते हैं और शटर को जब उठाते हैं तो उन तीनों को दिया लड़ाई झगड़े करते हुए सभी लोग जो थे वह अलग अलग करते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है गुड्डू, जो तुम भट्टे पर काम करते हो आज आकर इस दुकानदार से क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो। गुड्डू कहता है ये दुकानदार और मेरी पत्नी जो है नाजायज रिश्ते में है, ये मेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था जो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उन्हीं में से जो कई दुकानदार थे उन्हीं में से एक दुकानदार पुलिस के पास कॉल लगा देता है।
कॉल लगा देने के बाद पुलिस वहां पर तुरंत पहुंचती है और तीनों को वहां से उठाकर लेकर चली जाती है। तीनों से पूछताछ करने लगती है। जब पुष्पा से पूछताछ की जाती है तो पुष्पा कहती है कि मैं ब्रिजेश से प्यार करती हूँ और ब्रिजेश के साथ ही मैं रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। पुष्पा को काफी ज्यादा समझाने पर पुष्पा तैयार हो जाती है अपने पति के साथ जाने को और गुड्डू अपनी पत्नी को लेकर वह छत्तीसगढ़ से वापस अपने गांव चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या उस ब्रिजेश की गलती थी जो कि उस वह पुष्पा के पास फोन किया था, या फिर पुष्पा की गलती थी कि उसकी बातों में वह आ गया, या फिर उसके पति की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर वह काम पर जाया करता था? आखिर किसकी गलती लगती है? आप अपना कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।